सो गाइज आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड दिस वीडियो इज़ बाय हसी टीवी एंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। फितना सुफियानी एंड अराइवल साइंस ऑफ इमाम महदी एंड देखते हैं इसमें हमें और क्या मज़ीद पता चलेगा। हालांकि हमने अराइवल ऑफ इमाम महदी बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्शन दिया है, बहुत सारी नॉलेज भी है। आई विश हमें इसमें और मज़ीद ज़्यादा नॉलेज मिलेगी बिकॉज हसी टीवी थोड़ा हटके नॉलेज लेके आते हैं। तो चलिए गाइस आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 7 ऐसे फ़ितनों से बाखबर करता हूँ जो कि मेरे बाद रुनमा होंगे। एक फ़ितना मदीने से उठेगा, एक मक्का से, एक यमन से, एक शाम से, एक मशरिक से, एक मगरिब से और एक शाम के मरकज़ से, और यही फितना सुफियानी होगा। दोस्तों हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि ये क़यामत से कबल फितनों का दौर होगा जहाँ पर हर जगह इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ ग्रोहों और फ़िरक़ों के अंदर बढ़ कर फितनों का शिकार हो चुके होंगे। कुरान और इस्लामी अहकामात को पसे पुश डाल दिया जाएगा और इसी दौर के अंदर मक्का में एक बहुत बड़ा फितना जन्म लेगा। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि लोग इकट्ठे होकर एक रोज़ हज कर रहे होंगे। वो एक ही इमाम के साथ मैदान अराफात में जमा होंगे, लेकिन जब मिना में पहुंचेंगे तो अचानक इन पर दीवानगी जैसी कैफियत तारी हो जाएगी क्योंकि इनका किसी बात को लेकर ऐसा इख्तलाफ होगा कि सब के सब कबाइल एक दूसरे से नाराज़ होकर आपस में लड़ पड़ेंगे, यहाँ तक कि कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान लोग सुलह के लिए इस बात पर भी आमादा हो जाएंगे कि इनके अंदर मौजूद सबसे बेहतरीन और मोतबर आदमी इनके दरमियान फैसला करे कि कौन हक पर है। लिहाजा ये सब लोग मिलकर एक ऐसे शख्स के पास जाएंगे जो कि काबा को अपने चेहरे से लगाकर रो रहा होगा और इससे कहेंगे कि आप आगे बढ़ें, हम आपकी बैत करते हैं, यानी कि आपको अपना सरदार बनाते हैं। ये शख्स जवाब देगा कि तुम लोगों ने इतना खून बहाया, अपने वादे को तोड़ा, तुम लोग अब जाकर मेरी बैत करते हो। बहरहाल ना चाहते हुए भी लोगों के दरमियान मजीद फ़िरका वारियत और खून खराबे को रोकने के लिए अमन की खातिर इन लोगों की बैत को कबूल कर लेंगे। यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे जो कि उम्मत के अंदर फितनों के वक्त ज़ाहिर होंगे और इन्हें इकट्ठा करके मैदान जंग के अंदर कुफर के खिलाफ आखिरी जंग के अंदर इनके सिपा सलार भी होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए खुरासान यानी कि आज के दौर के अंदर जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में बलूचिस्तान का इलाका भी शामिल है, यहाँ से काले झंडों वाली फ़ौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज का हिस्सा बनेगी। ये काले झंडों वाली जमात एक ऐसे जालिम और सरकश बादशाह से लड़ने के लिए जा रही होगी जो कि एक के बाद एक मुसलमान मुल्कों पर कब्जा करके वहाँ पर इसने लूट मार और कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा होगा। इन्हें रास्ते में ही ये खुशखबरी मिलेगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है, लिहाजा ये लोग रास्ते से ही वापस जाकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत करके इनकी फ़ौज के अंदर शामिल हो जाएंगे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से होंगे। इनका नाम भी मोहम्मद होगा, ये अरबी नस्ल से होंगे, इनके चेहरे पर एक तिल होगा और ये ज़मीन को ऐसे अदल और इंसाफ से भर देंगे जैसे ये पहले जुल्म और सितम से भर चुकी थी। ये शहरों के शहर एक के बाद एक फ़तह करते जाएंगे, आप ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेंगे जिसके बाद दज्जाल दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा और इसके बाद इसके खात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि जब भी जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है तो अल्लाह ताला एक मसीहा को दुनिया के अंदर ज़रूर नाजिल करते हैं। और इसी दौरान मक्का के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब मुसलमानों की खिलाफत संभालेंगे तो इस वक्त मौजूद मुल्क शाम में मौजूद एक बादशाह इनके मुकाबले के लिए मदीना पर हमला करने के लिए अपना लश्कर भेजेगा, मगर अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब का शिकार होकर रास्ते में ही ज़मीन फट कर इस पूरे लश्कर को ज़मीन के अंदर धंसा देगी, यानी कि यह लश्कर अल्लाह ताला के गज़ो गज़ब का शिकार होगा क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होगी। इस दौर के अंदर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि अगर वो इस सफाक बादशाह सुफियानी की बैत नहीं करते, इसका हुक्म नहीं मानते तो वो इन्हें कत्ल करवा देगा, और अगर वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देंगे तब भी सुफियानी के गज़ो गज़ब का शिकार होंगे, और अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ नहीं देंगे तो काफिर हो जाएंगे। दोस्तों इस जालिम बादशाह का जिक्र जिसका नाम सुफियानी होगा इसका शाम से खरूज होगा जो कि मुतादिद रिवायात से बयान होने वाली निशानियों में से एक है। यह अबू सुफियान की नस्ल से होगा जो कि ज़हूर से कुछ मुद्दत पहले सरजमीन शाम से खरूज करेगा। वो इंतहाई जालिम और जाबिर होगा, कत्लो गारत में किसी की कोई परवाह नहीं करेगा, लाखों लोगों को मारता चला जाएगा और कई मुस्लिम मुल्कों को इसी जुल्म की वजह से फ़तह कर लेगा जिसे बाद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दोबारा फ़तह करवा लेंगे। यह आलमों को भी कत्ल करवाएगा, अपने सामने बोलने वालों को भी, इवन के हमला औरतों के पेट फाड़ देगा ताकि कोई भी लड़का बड़ा होकर इसके मुकाबले में ना आ सके। ये लोगों को सज़ा के तौर पर मारने के लिए इन्हें उबलते हुए तेल के अंदर डालकर इनको फ्राई करवाएगा। ये अपने मुखालिफिन से इंतहाई बुरा सलूक करेगा और इसका चेहरा इंतहाई ड्रोना और वहशतनाक होगा। इसके चेहरे पर चिचक के दाने होंगे या सफ़ेद पुतलियां जो कि देखने वालों को काना लगता होगा। हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इसके बारे में फरमाते हैं कि अगर तुम सुफियानी को देखो तो गोया तुमने इस वक्त के सबसे पलीद और बुरे इंसान को देख लिया। सुफियानी का खरूज रजब के महीने से शुरू होगा और वह शाम और इसके करीब के इलाकों पर कब्जा करने के बाद इराक पर हमला करेगा और वहाँ वसी पैमाने पर कत्लो गारत करेगा, जबकि बाज़ रिवायत की बिना पर इसके खरूज और इसके कत्ल होने का वक्त 15 महीने बताया गया है। इसी के टाइम के अंदर खस्फ नाम का मौजा होगा, यानी कि ज़मीन के फटने और इसके अंदर सुफियानी की पूरी फौज के गिरने का, क्योंकि खस्फ के मायने हैं फटने के और गिरने के, और बेदाई मक्का और मदीना के दरमियान एक इलाके का नाम है। इसीलिए खस्फ बेदाई से मुराद यह है कि जब सुफियानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की खबर सुनकर इनकी फ़ौज से मुकाबला करने के लिए एक लश्कर मक्का की तरफ भेजेगा और जब यह बेदा नामी इलाके में पहुँचेगा तो यहाँ पर ज़मीन फट जाएगी और सारा का सारा लश्कर ज़मीन के अंदर धंस जाएगा, सिवाय 2 लोगों के जो कि वापस जाकर ये तमाम वाक़या सुफियानी को बताएंगे। इस वाक़े के बारे में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुफियानी के लश्कर को जब यह खबर मिलेगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ रवाना हो चुके हैं, लिहाजा सुफियानी अपनी फ़ौज को हुक्म देगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर का पीछा किया जाए। और जब यह लश्कर सरजमीन बैदा पर पहुँचेगा तो एक आसमानी आवाज़ आएगी, ऐ सरजमीन बैदा इनको नाबूद कर दे, जिसके बाद ये सरजमीन सुफियानी के लश्कर को अपने अंदर खींच लेगी। दोस्तों, दज्जाल और सुफियानी दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन इन दोनों के अंदर फ़र्क यह है कि दज्जाल की सरगर्मियां छुपी हुई होंगी, वो लोगों को धोखा देकर गुमराह करेगा, जबकि सुफियानी खुलेआम मुखालफत और जंग करेगा। इस आखिरी दौर के लिए बहुत सारी निशानियां बताई गई हैं और इन निशानियों की पहचान बहुत सारे मस्बत आसार रखती हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसी ही मस्बत निशानी है यमनी का क़याम, कि यमन की सरजमीन पर एक सरदार का क़याम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की एक और निशानी है, जो कि आपके ज़हूर से कुछ ही दिन पहले ज़ाहिर होगी। ये एक ऐसा साले और मोमिन शख्स होगा जो कि फ़िरका वारियत के दौर के अंदर इन फ़िरका वारियत और बुराइयों के ख़िलाफ़ खड़ा होगा और अपनी तमाम तर ताकत से इन बुराइयों और फसाद का मुकाबला करेगा। अलबत्ता इसके क़याम और तहरीक की तफसील ज़्यादा वाज़े नहीं है कि ये कब, कैसे और किस तरह से ये सब करेगा। जबकि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इसके बारे में फ़रमाते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के क़याम से पहले बुलंद होने वाले परचमों के दरमियान यमनी का परचम तमाम हिदायत पाने वाले परचमों में सबसे बेहतर होगा, क्योंकि यमनी तुम्हारे आका इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ अपने ज़ेर असर तमाम मुसलमानों को दावत देगा। यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की एक और निशानी, जिसके ज़ाहिर होने के बाद इनका इंतज़ार करने वाले लोगों के दिलों के अंदर उम्मीद के नूर के अंदर इजाफा होगा और ये दुश्मनों और गुमराह लोगों के लिए एक बड़ी याद दहानी और ख़तरे की घंटी होगी, ताकि वो अपनी नाफरमानियों से और बुराइयों से बाज आ जाएं। जिस तरह से माजी के अंदर मुसलमान इख्तलाफात का शिकार होकर अलग अलग हो गए, बिल्कुल पानी में बिखरे हुए तिनकों की तरह, और दुश्मन ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल यानी कि तकसीम करके या इनके इत्तेहाद को तोड़कर इन्हें एक एक करके ख़त्म करना शुरू किया, जो कि आज के दौर के अंदर भी चल रहा है। आलम कुफर ने कैसे एक के बाद एक मुसलमान मुल्क को तबाह किया, ये हमारे सामने है और यही सब इस सुफियानी के फितने के दौर के अंदर भी होगा, जब एक जालिम और वहशतनाक बादशाह मुसलमानों के इसी इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर इन पर ना सिर्फ काबिज होगा बल्कि इन पर जुल्म करेगा, जो कि दरअसल मुसलमानों के अपने अमाल की सज़ा होगी, क्योंकि उन्होंने दीन को छोड़कर दुनियादारी को अपना लिया होगा। लेकिन फिर भी इस फितने के दौर के अंदर ईमान वाले लोगों की मदद के लिए अल्लाह ताला इमाम मेहदी की सूरत में अपनी मदद और अपनी रहमत मुसलमानों पर नाजिल फरमाएगा, जो कि इन तिनकों को जोड़कर एक मुकम्मल घोंसले को तैयार करेंगे और ज़मीन को अमन और सुकून से एक बार फिर से भर देंगे, क्योंकि जुल्म और कुफर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, इसका इंजाम हमेशा इंतहाई भयानक और इबरतनाक ही हुआ करता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स गाइस, ये था हमारा रिएक्शन ऑन हसी टीवी। बहुत बेहतरीन वीडियो था एंड बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया। एंड दज्जाल के बारे में तो हमने बहुत बार सुना है कि दज्जाल दुनिया में ज़ाहिर होगा, बट सुफियानी के बारे में पहले नहीं सुना था, तो ये मेरे लिए कुछ नया नया इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी। एंड सुफियानी हमें पहले से बिल्कुल पता नहीं था, तो मैं वही सोच रहा था व्हाट इज़ सुफियानी, क्योंकि टाइटल में लिखा हुआ था ना सुफियानी, फितना सुफियानी, तो सुफियानी ज़ाहिर होगा, वो खुल्लम खुल्ला फुल अटैक करेगा। एंड जो दज्जाल होगा वो छुप के अटैक करेगा। बट ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको सुफियानी के बारे में पहले से पता था या नहीं पता था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो से और क्या जानकारी या कोई और इन्फॉर्मेटिव चीज़ पता चली है जो आपको पहले से नहीं पता थी तो वो भी ज़रूर बताइएगा। सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।